हरे कृष्णा दोस्तों, आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के दिन हम निकल पड़े हैं इस्कॉन टेंपल दिल्ली में, जो नेहरू प्लेस और कालका जी के मंदिर के बिल्कुल पास में है। अगर हम पैदल की दूरी की बात करें तो 1 किलोमीटर है, और बाकी का अगर आप ऑटो से जाना चाहते हैं तो 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ेगा। तो आज उसी की यात्रा करवाते हैं आपको और दिखाएंगे पूरा अच्छे तरीके से कि अगर आप इस्कॉन टेंपल जाना चाहते हैं तो आप कहाँ से जा सकते हो। अभी तो हम खड़े हैं अर्जनगढ़ मेट्रो पे और हमारा ब्लॉग का शुरुआत हो चुका है। ब्लॉग का शुरुआत हो चुका है तो आप इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। शायद आपको आवाज़ थोड़ी सी धीरे आ रही होगी, बट कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। हमारी मेट्रो आने वाली है, इसके बाद चलते हैं बस अपने डेस्टिनेशन पर। ये देखो हमारी मेट्रो आ चुकी है बस, अब हम रवाना होते हैं। अर्जनगढ़ मेट्रो पे खड़े हैं अभी, इसके बाद सीधा हम चलते हैं कालका जी मंदिर या फिर नेहरू प्लेस। टोकन तो कालका जी मंदिर का लिया है। अभी हम पहुंच चुके हैं कालका जी मेट्रो स्टेशन, और अगर आप कालका जी मेट्रो स्टेशन पर उतरना चाहते हो तो आप यहां से उतर के ऑटो भी कर सकते हो। बट हाँ, हमने चूज़ किया था नेहरू प्लेस, क्योंकि नेहरू प्लेस के जस्ट बगल में जो एक पार्क गया है वहां से आप उसके थ्रू पैदल पैदल चल सकते हो, जो कि लगभग 900 मीटर की दूरी पर है। और हमारी मेट्रो आ चुकी है, अब हम चलते हैं नेहरू प्लेस की तरफ और उसके बाद आपको कराते हैं यात्रा। सवारी लिए मंदिर की ओर बढ़ चुके हैं पैदल पैदल, क्योंकि यहाँ से जो दूरी है मात्र 900 मीटर दिखा रहा था और 100 रुपये ले रहा था ऑटो वाला। तो 100 रुपये ऑटो वाले को देने से अच्छा है हम सीधा अपना पैदल पैदल इस पार्क में से होते हुए निकल जाएं। जब आप इस गार्डन से जा रहे होगे तो आपको एक गेट दिखेगा जो कि गेट नंबर 5 होगा। अगर आप चाहते हो कि आप उस गेट से एंट्री कर पाओ तो आपको एक स्पेशल इन्वाइट्स मिलना चाहिए, तभी आप वहाँ से एंट्री कर सकते हो, यानी कि वो एक स्पेशल विजिटर के लिए है। अदरवाइज़ आप अगर नॉर्मल गेट से जाना चाहते हो तो आपको गेट नंबर 2 पे है आम जनता के लिए प्रवेश, इसे कहते हैं जनरल एंट्री। निश्चित ही ये वाला बंदोबस्त आपको आम दिनों में देखने को नहीं मिलेगा। ये एक स्पेशल डे था, यानी कि जन्माष्टमी का दिन था, तभी आपको ये बंदोबस्त देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल एंट्री कर सकते हो, नॉर्मल जूता चप्पल जमा कराकर। जैसे ही हम जूता उतारने के बाद में आगे बढ़े तो हमारे कानों के अंदर राधे राधे की आवाज़ गूंजना स्टार्ट हो चुकी थी, और जो कि ये संदेश दे रही थी कि हम मंदिर के बहुत करीब हैं। ये आवाज़ आपको आम दिनों में शायद ना सुनने को मिले, बट हाँ, ये जो स्पेशल डे था वो इस चीज़ को और स्पेशल बना रहा था। ये जो बंदोबस्त आपको दिखाई दे रहा है 2 सेपरेटर, यानी कि एक महिला के लिए और एक पुरुष के लिए, वो सिर्फ खास दिन के लिए ही किया जाता है, क्योंकि उन्हें अंदेशा होता है कि आज ज़्यादा भीड़ आने वाली है। बट अभी आपको यहाँ पर कोई भीड़ नहीं दिख रही होगी, आगे चलते हैं आपको एक भीड़ से मुलाकात करवाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि इस मंदिर के अंदर कितनी सारी जनता आई हुई है, कितने सारे भक्त आए हुए हैं। यहाँ से हमने कराई चेकिंग, और चेकिंग कराते ही हम बढ़ चले हैं। यहाँ पर शायद 2 गेट हैं, जिसमें कि एक गेट से इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है और दूसरा गेट ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। इससे पहले कि आप भगवान जी के दर्शन में हो जाएं, मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो इस्कॉन टेंपल है ये किस चीज़ के ऊपर रखा गया है? इस्कॉन का मतलब होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। दोस्तों, इसी की फुल फॉर्म को जॉइंट करके बनाया गया है इस्कॉन। अगर हम बात करें कि इस्कॉन की स्थापना कैसे की गई थी, तो ये 1966 न्यूयॉर्क से की गई थी, जो कि स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। वैसे तो दुनिया भर में हजारों इस्कॉन टेम्पल हैं, अगर हम बात करें कि इस दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल का असली नाम क्या है, यानी कि वास्तविक नाम क्या है, तो इस मंदिर का वास्तविक नाम है श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 1995 में किया गया था। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस मंदिर की टाइमिंग, कि ये मंदिर कब ओपन होता है, तो इसकी टाइमिंग है सुबह 4:30 से दोपहर 12 बजे तक, और दिन में 3 बजे से रात को 9 बजे तक, जो कि भक्तों के लिए परस्पर खुला रहता है।
इसमें 10 आरतियाँ होती हैं, जो कि दो खास आरती हैं। एक पहली है मंगला आरती, जो कि सुबह 4:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, और दूसरी है संध्या आरती, जो कि शाम को 7 बजे होती है। दोस्तों अब आप आनंद लीजिए इस दर्शन का। कृष्णा की गूंज का आनंद हम ले ही रहे थे, इतने में ये सामने वाले अंकल ने हमें आगे की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब बाहर चलिए, पीछे वालों को आने दीजिए। क्योंकि ये एक जन्माष्टमी का पर्व था तो लोगों के लिए दर्शन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हमने भी सोचा कि अब बाहर की तरफ चलते हैं। तो हम आगे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ ही रहे थे कि हमें जस्ट बगल में दिखाई देता है कि यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। तो अगर आप प्रसाद लेना चाहते हो तो आपको थोड़ी सी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो हमने इस पाइप को क्रॉस किया और अपना प्रसाद ग्रहण किया। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हमें कुछ प्रदर्शनी देखने को भी मिली, जो कि आप देख पा रहे हो कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई थी। ये एक तरीके से जैसे हम बचपन में जन्माष्टमी बनाया करते थे, ठीक उसी तरीके से बनाई गई थी। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें लगी हुई थी, यानी कि एक तरीके से मेला सा लगा हुआ था यहाँ पर। हमने कुछ चीज़ें खरीदी भी वहाँ से, बट यहाँ से नहीं, थोड़ा आगे से। दूसरी बार प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब हमारी बारी थी कुछ सामान खरीदने की। दोस्तों ये जो सामान थे आम दिनों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आम दिनों में इतनी चहल पहल नहीं रहती है। ये एक जन्माष्टमी का दिन था, इसलिए शायद यहाँ पे इतनी सारी भीड़ भाड़ थी और ये दुकान वाले भी आए हुए थे। हम आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि हमें एकदम से आवाज़ लगाई इन पंखुड़ियों ने कि किधर जाते हो, मुझे खरीदे बिना मत जाना। दोस्तों हम इनको खरीदने में व्यस्त हो गए और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि एक पंखुड़ी और साथ में एक बबल लिया जाए। बबल लेने के बाद में उसकी टेस्टिंग का जिम्मा संभाला जहाज ने। तो उस टेस्टिंग को करने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ने वाले थे। बढ़ने के बाद हम पहुँचे थे गेट नंबर 1 की तरफ। तो इस गेट पर आने के बाद हमें पता चला कि हम एक सही गेट पर आ चुके हैं। दोस्तों हमें जो एंट्री करनी चाहिए थी वो इसी गेट से करनी चाहिए थी, बट हमने अपनी सुविधा के अनुसार जो हमें पहला गेट दिखा था, गेट नंबर 2, हमने वहाँ से एंट्री की थी।
जब हम वापसी में आए तो हमें काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा, लगभग 3 से 4 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा। तो अगर आप भी अगर आना चाहते हो, शायद आम दिनों में ये व्यवस्था नहीं होती है, आप डायरेक्टली गेट नंबर 1 से एंट्री करोगे, आपको ऑटो बिल्कुल गेट नंबर 1 के सामने। दोस्तों, मंदिर घूमने के बाद हमें ये एक लोकेशन दिखी है जहाँ पे हम थोड़ा सा बस मौज मस्ती कर रहे हैं आधे घंटे से। अब हम चल दिए हैं यहाँ से, काफ़ी प्यारी जगह है, पूरे में हरियाली है और छाए में ठंडी हवा चल रही है। हीरो फिल्म की टोन है, जैकी श्रॉफ की, जिसमें कुत्ता भी था। नहीं, उसमें नहीं था बांसुरी वाले अंकल की मधुर बांसुरी बजाने की प्रतिभा को देखते हुए हमारे कुछ खिलाड़ी अपनी भी प्रतिभा यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद हम पहुँच चुके थे मेट्रो स्टेशन, हमने इंतज़ार किया अपनी मेट्रो का और उसके बाद हम सीधा घर की तरफ रवाना हो गए। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपनी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है उसे भर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिख के जरूर जाना। तो मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।